बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आया था, जिसकी वजह से मैं 8-9 साल पाकिस्तान में नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत लंबा टाइम मेरा बीमारी का गुजरा एंड अल्लाह का शुक्र है। मुझे अचानक ही बस मैं कोलैप्स हो गई थी फिज़ा, एंड मैं बिल्कुल हेल्दी थी अदरवाइज़, और मैं उस वक्त अमेरिका में ही थी। और अल्लाह मियाँ जब प्रॉब्लम देते हैं तो फिर साथ साथ आपको उसका सलूशन भी दे देते हैं। काउंटी हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने कहा कि 48 आवर्स टू लिव हैं सिर्फ, तो कि ब्लड काउंट बहुत ज़्यादा लो था मेरा फॉर सम रीज़न। एंड फिर मुझे हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट किया था, और मैं मैरीलैंड कभी भी नहीं गई थी और जॉन्स हॉपकिंस के मैं बहुत करीब थी उस वक्त। तो अल्लाह मैंने प्रॉब्लम दी साथ साथ सलूशन दिया, एंड मुझे एयरलिफ्ट करके इमरजेंसी में लेकर गए थे जॉन्स हॉपकिंस। टीम ऑफ डॉक्टर्स आए, बहुत बड़ी उम्र की खातून थी जो उनकी हेड थी, उन्होंने कहा कि यंग लेडी यू गोइंग इन फॉर कीमोथेरेपी। तो मुझे सिर्फ कीमोथेरेपी समझ आया, तो मैंने कहा व्हाई, तो उन्होंने कहा कि यू हैव AML। आई सेड व्हाट्स AML, तो उन्होंने कहा अक्यूट माइलॉयड लुकीमिया। तो मुझे लुकीमिया समझ आया, आई सेड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने कहा आप ब्लड देना चाहेंगी रिसर्च के लिए, क्योंकि आपका जितना आपका लोएस्ट ब्लड काउंट है जो हमने आज तक देखा है, हॉपकिंस ये कह रहा था। एंड आई सेड यस। फिर मैंने सोचा कि 5 साल पहले किसी ने अपना ब्लड डोनेट किया होगा फॉर सम रिसर्च, जिसकी वजह से आज मुझे दवाई मिलेगी। तो मैंने कहा यस, वो साइन किया, क्योंकि आपकी कंसेंट के बगैर ये सब नहीं कर सकते वो लोग। एंड देन आई सेड अल्लाह मियाँ आपने दिया है, आप ही फिक्स करेंगे, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट स्टार्टेड माई लॉन्ग जर्नी ऑफ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड देन आई हैड लॉट्स ऑफ कीमोथेरेपीज, फिर रेडिएशन। और रेडिएशन में फिजा, तो जो कीमोथेरेपीज होती हैं, जो रेडिएशन होते हैं, इसमें तो पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है। मैं यही कहने लगी थी फिजा, माई इन वन डे माई कलर वॉज दिस ब्लैक। आई नो बिकॉज मेरी अम्मी को क्योंकि कैंसर था, तो वो कीमो और रेडिएशन यही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो देखी अपनी आंखों से। तो आपने और बाल यही वजह थी जो 3-4 दफा बाल मेरे जब वापस आई है, तो आपका शॉर्टकट था बालों का? जी, मेरे वो कोई फैशन नहीं था, नहीं। और फिर मेरे अम्मी अबू के उस वक्त पासपोर्ट एक्सपायर्ड, वो सब एक, और मेरे हस्बैंड, ही हैज़ बीन अ ब्लेसिंग एन एंजल फॉर मी, और उन्होंने लिटरली फूलों की तरह मेरी खिदमत की है, तो उन पे तो 7 खून माफ है। क्या बात है। और उस ट्रीटमेंट के दौरान मेरे अम्मी अबू मेरे साथ थे फॉर अ ईयर और सो, देन अबू की डेथ हो गई 2011 में, देन अम्मी की डेथ हो गई 2012 में, व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो दैट वाज द मोस्ट पेनफुल टाइम। आई नो। और फिर कीमोस, फिर रेडिएशन, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बहुत सारे लोग कीमोस करते जाते हैं और उनको मैच नहीं मिलता। My brother didn't match, parents didn't match, husband didn't match, nobody matched me. Usually siblings match करते हैं, बहन भाई। मेरे 19 donors निकले थे, international donors में से। तो अल्लाह मियाँ problem देते हैं तो solve भी करते जाते हैं। क्या बात है। और आप सिर्फ शुक्र अदा करते जाएं, and आप अल्लाह मियाँ will do everything for you. Wow. मैं सोच रही थी कि मेरा डोनर कोई पाकिस्तान से होगा या इस रीजन से होगा या एशिया से होगा, एंड मैं खून तो यहीं का मैच होना चाहिए। Obviously. तो फिर पता चला कि 2 साल के बाद बताते हैं कि आपका डोनर कौन है, कि इफ़ इन केस यू डोंट सर्वाइव तो उनका दिल नहीं टूट जाए। तो बोन मैरो लोग सोचते हैं कि उनका वो गूदा निकाला जाता है, वो सब नहीं है। अच्छा। जो डोनर है इट्स वेरी सिंपल कि वो एक हाथ से जैसे ब्लड देते हैं, फिर उसके सेल्स निकलते हैं एक मशीन में और वापस दूसरे हाथ से चला जाता है। अच्छा, डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती है सच। Right. तो मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान, मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कोई बोन मैरो रजिस्ट्री ही नहीं है। फिर उन्होंने इंटरनेशनली ढूंढा था, फिर मुझे 2 साल के बाद पता चला म्यूचुअल कंसेंट, अगर आप जानना चाहें अपने डोनर को वो आपको जानना चाहे तो यू कैन गेट इन टच। तो उसके बाद मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि आपकी आपका ब्लड जो होता है वो जो डाला जाता है वो आपकी बॉडी को रिकग्नाइज नहीं करता है, कहता है ये तो मेरी बॉडी नहीं है, और जो बॉडी है वो कहती है ये ब्लड मेरा नहीं है, तो एक दूसरे को अटैक कर देते हैं, तो वो अटैक फेटल हो सकता है, आप उसमें मर सकते हैं। उसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कहते हैं। तो वो कुछ लोगों को होती है आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कुछ लोगों को नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली मुझे हुई। तो फिर आपका
सिस्टम फाइट नहीं कर सकता उसको, तो दे पम्प्ड मी अप विद स्टेरॉयड. मैं तो वर्कआउट नहीं कर सकती थी. तो वो डबल एज सोर्ड है, वो आपकी डिजीज को तो फाइट कर जाता है बट लेकिन आपकी बोन्स को खा जाता है. अय अल्लाह. तो मैं समझी अब सब ठीक हो गया, घर चले गए मैं और मेरे हस्बैंड वापस. एंड देन मुझसे चला नहीं जा रहा था कुछ दिनों बाद. फिर ड्रिल करके उन्होंने सीमेंट डाला, फिर वो नहीं, 6 महीने के बाद वो नहीं स्टे किया. फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई मेरी. फिर देन आपको इधर दर्द होता है तो इधर आप वजन डालते हैं, तो फिर मेरा टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ. तो उसके बाद अम्मी की डेथ पे मेरा शोल्डर कोलैप्स हो गया था. सो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी बट आई एम सो ग्रेटफुल अल्लाह मियाँ को. मैं हर सांस पे हर स्टेप पे शुक्र अदा करूँ वो कम है. अभी माशाल्लाह अब टोटली ओके. मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आपके सामने हूँ एंड काम कर रही हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. फिजा, अल्लाह पाक की रहमत के बाद जो इनकी विल पावर है ना, उसकी वजह से ये आज यहाँ बैठी हैं. बेशक अल्लाह देख लेते ना कि मेरे किस बंदे के अंदर इतना हौसला है, वो मेरा इम्तिहान कौन जो उसको बर्दाश्त कर सकता है. और कई बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें जो हौसला ही नहीं होता. कौन होते हैं वो? चाचा के कान से फिंसी निकल आवे दरवाजे से बैठा रोई जान दिया. चाचा पता फिंसियों पे क्यों रोता है? कहता हर साल फिंसी निकल आंदी है, 3 साल हो गए मेरी कमेटी नहीं निकल रही. तीन निछा कट्ठिया इन्हें तो डॉक्टर की दुकान से जाकर रोना पा देना, मैं नहीं बचना. आपने सही कहा कि ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है. अल्लाह मियाँ दुआएं, दुआओं से मिरेकल्स हो जाते हैं. और आपके बस में सिर्फ आपका अपना ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड होता है कि आप बस पॉजिटिव रहें. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं आपके बॉडी के अंदर हेल्दी सेल्स बनते हैं. और फिर एक फन फैक्ट भी है. तो माई ब्लड ग्रुप मेरा ए नेगेटिव था, अब वो ए पॉजिटिव है. इज़न्ट दैट अमेजिंग? रियली अल्लाह. चाची का ब्लड ग्रुप सिर्फ नेगेटिव है, ए बी कुछ नहीं लगता था. चाचा के ब्लड ग्रुप के आगे लगता है ना ए ओ नेगेटिव. चाचा का ब्लड तो इतना नेगेटिव है दी तस्वीर भी उतारो ना, ते तस्वीर नहीं आंदी सिर्फ नेगेटिव ही आंदा. एंड द फनी थिंग इज के जो मैं सोच रही थी कि इस रीजन से डोनर मिलेगा, माय डोनर टर्न्ड आउट टू बी जर्मन. सो ब्लड सारी दुनिया का सेम है. यार क्या बात है. और चाचा भी एक बंदे नु खून देन गया ना, उन्होंने इंज करके जे सुई लाई थे बेहोश हो गया. 3 घंटे बाद आके खुली है तो उधर तक इन्हें 2 बोतल और लगनी है सन. उठ के कहंदा और काट लो कोई नहीं खैर. ते जिस बंदे नु चाचे दा खून लगया सी ना, उठ के कहंदा यार मेरा आज बड़ा छितर खान नु दिल कर रहा है. गुड बात. आपको तो जर्मन का खून लगा है ना, चाचा को जर्मन शेपर्ड का खून लगा. जब तो उन्हें पता लगा कि मेरा खून इन्हें लगा इधर सिर्फ देख ही जाता हो. एक दिन चाचा अपने सेंच पोंके पे आए तो जर्मन शेपर्ड ने गली दी नुक्कर ते. मैं कह चाचा है कि कहंदा अपना खून जिथे भी होवे बोलता है. जब तकलीफ होती है तो कहते ना पता चलता है कि तकलीफ के वक्त कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है. तो आपको क्या लगा कौन कौन आपका साथ दे रहा था? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और दुआएं, और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरी लिटरली खिदमत की है, जो कि अक्सर हस्बैंड्स नहीं करते. सबको देखा जो सारे आदमी बैठे. मुझे लगा मैं बहुत ज़ालिम आदमी. नहीं नहीं, मैंने आदमियों की तरफ देखा. सारे हस्बैंड अपनी बीवियों की खिदमत करते हैं, और कुछ हस्बैंड्स तो ऐसे होते हैं जो अपनी वालदा से भी ज़्यादा अपनी बीवियों की खिदमत करते हैं, मगर पता नहीं लगने देते. नहीं, माय स्पेशली माय हस्बैंड, उन्होंने तो मतलब बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड ले सकते हैं वो फॉर इयर्स. चलो शुक्र है हमारे भाई साहब ने हमारी जरूरत. चाचा भी बेचारा एक बार बीमार होया, चाची ने बिल्कुल साथ नहीं दिया. बल्कि जिनी देर बीमार रहा ना, सामने करियाने वाला ना उसकी बीवी उसकी भैन बनी थी, उसे शिफ्ट हो गई. हालांकि बीमारी भी कोई एडी वड्डी नहीं, सिर्फ पट्ठियां नु खिंच पई. उनको बहाना चाहिए था. उनको बहाना चाहिए था. नहीं है भाई, ये छूत दी बीमारी.